करनाल में लुटेरों के खौफ के चलते आम जनता में दहशत का माहौल बना हुआ है। दिन दिहाड़े तीन लुटेरों ने हाईवे के नजदीक उचाना गांव में बंदूक की नोक पर पेट्रोल पंप कर्मचारियों से 15.5 लाख रुपए लूट लिए। बता दें कि पेट्रोल पंप कर्मचारी जब बैंक में पैसा जमा करवाने जा रहे थे, जब इस वारदात को अंजाम दिया गया। पेट्रोल पंप के मैनेजर सुशील ने कहा कि जब वे 15.5 लाख रुपए से भरा बैग लेकर हाईवे के पेट्रोल पंप से लेकर निकले, तो वे इस उम्मीद में थे कि जल्दी से यह रकम बैंक में जमा करवाकर वापस आ जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्हें लूटने के लिए तीन लुटेरे घात लगाकर बैठे हैं। पेट्रोल पंप के दो कर्मचारी पास के ही उचाना गांव में पंजाब नेशनल बैंक में पैसा जमा करवाने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में मंदिर के पास तीन लुटेरों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों का रास्ता रोका, उन्हें डराया, धमकाया और बंदूक उनकी कनपट्टी पर रख दी, जिसके बाद पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने नोटों से भरा हुआ बैग लुटेरों को थमा दिया। लुटेरे नोटों से भरा बैग लेकर हाईवे के रास्ते से रफू चक्कर हो गए। बाद में करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया खुद पेट्रोल पंप पर पहुंचे और कर्मचारियों से पूछताछ की। वहीं एसपी की टीम ने लूट वाली जगह का मुआयना भी किया। एसपी ने कहा कि यह जांच का विषय है और इसके लिए सारे एंगलों से जांच की जा रही है। इस मौके पर एसएचओ सदर बलजीत सिंह भी मौजूद रहे। इस लूट की वारदात के बाद पुलिस के लिए चुनौती और ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि लुटेरों के बारे में कोई पुख्ता जानकारी मिल सके। इन सबके बीच अब देखना यह होगा कि कब तक पुलिस इन लुटेरों को गिरफ्तार कर पाती है। इन्फॉर्मेशन मिली थी कंट्रोल रूम में, जिसमें ये बताया गया था कि ओएसिस के दो कर्मचारी उचाना गांव में पीएनबी बैंक में केस जमा कराने जा रहे थे। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर तीन लड़के आए और उनका जो पैसे से भरा हुआ बैग था वो छीन करके ले गए हैं। अभी हम यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं, यहाँ पे कर्मचारियों से बात भी करी है। शुरुआती जाँच में सामने आया कि 15,35,000 रुपये के लगभग केस जमा कराने जा रहे थे। पिछले तीन दिनों केस बचा हुआ था जो वो बैंक में जमा कराने जा रहे थे, और जैसे ही पुल से नीचे आगे पहुंचे, उसी दौरान ही तीन लड़के एक मोटरसाइकिल पे आए और फिर वो पैसे छीन करके ले गए हैं। यहाँ के जो सीसीटीवी कैमरे हैं और आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं, हम उनसे उनकी जो भी इसमें आरोपी सम्मिलित रहे हैं उनकी पहचान करने का प्रयास। सर, लगता है कि उनको पहले ही पता होगा कि हर दूसरे तीसरे दिन ये बड़ा कैश जो है जमा कराते हैं, क्योंकि गांव के लोगों ने बताया कि पहले वो डेफिनेटली जो भी शुरुआती जाँच में पता यही लग पा रहा है कि कुछ ना कुछ दूर रखी थी उनके, या तो किसी ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। सारे अभी जाँच का विषय है, हम सारे एंगल देख रहे हैं। सर, करनाल में वारदात जो पिछली 5-6 महीने 3 वारदातें हुई थी, उनमें से 2 ऑलरेडी ट्रेस की जा चुकी है, उसमें आरोपी भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जो अभी रिसेंटली जो वारदात है, इसमें भी हमारी टीमें लगी हुई है। हमें उम्मीद है कि हम जल्दी इस मामले को सॉल्व करें। अब इस मामले में क्या किया जाए, हम सारे एंगल देख रहे हैं। ये भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं रेकी की हुई है या किसी ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है या किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया है, ये सभी अभी जाँच के विषय है। हम यो मोटरसाइकिल चल रहा था जी, यहाँ तीन बंदे खड़े थे, एकदम मोटरसाइकिल आगे दादी अम्मी गिर के हथियार के बंद रिवॉल्वर ले रहे थे। तो कितने पैसे ले गए जी? 15 लाख। तो किस तरह का कोई हुलिया, एक ही मोटरसाइकिल भाग गए? तीन थे जी। पैदल भागे मोटरसाइकिल में भागे? मोटरसाइकिल पर भागे। पिस्तौल एक पे थी? एक मेरे बता रखी थी, मैं नीचे गिर गया जी। क्या नाम है आपका? रामपाल। तो इस समय आप देख सकते हैं पास और ये दो जने बैंक में जा रहे थे जमा कराने के लिए, और जैसे भी रास्ते में इस मोटरसाइकिल गिरा के तीन आदमी के पीछे अपना राइफल साथ थी इनके। कहाँ पे पड़ता है आपका पंप? ये हरियाणा टूरिज्म का पंप है, ओसी से। कौन सी कंपनी का है? हरियाणा टूरिज्म, आईओसी का। आईओसी का। तो कितने पैसे थे? 15.5 लाख। और कर्मचारी कौन थे? यहाँ पर क्या नाम है इनके? रामपाल है जी और बलजीत सिंह। आपका नाम? मेरा सुशील। कौन से बैंक में जा रहे थे जमा कराने? पीएनबी बैंक में जा रहे थे। पहले भी ले जाते हैं रूटीन में? रूटीन में जाते हैं जी। कैसे? आपका नाम क्या है? सुशील कंबोज। सर, उन्होंने टेढ़ी करके लगाई हुई थी बाइक, पहले वो पिपल के नीचे खड़े थे, फिर उनके पास कहीं से सूचना आई, तभी वो उसी टाइम आया जिस टाइम वो निकले वहाँ से। हथियार भी ले रहे थे? हथियार बंदूक थी सर उनके पास, उन्होंने शूट नहीं करा। बड़ी बड़ी बंदूक थी? भाई नई नई रिवॉल्वर होती है जो उन्होंने चलाई नहीं किसी पे भी। एक गाँव के लड़के ने रोकने की कोशिश की तो वो बोले तीनों भाई इसको भी मार दे, तो वो घबरा के चला गया जी और वो तीनों सीधे निकल गए। कौन सा गाँव पड़ता है ये? उचाना गाँव है सर। तो बड़ी वारदात आप, क्या मामला सामने आया, क्या कुछ निकला है सर? अभी हमारे को सूचना मिली थी कि पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं, उनके साथ उनका कैश छीना गया है, उसके बारे में अभी पहुंचे हैं। अभी एक बार एरिया में सर्च कर रहे हैं पहले, बाकी सारी बात। कितना कैश बताया जा रहा है सर? 15 के लगभग कैश बता रहे हैं। 15 लाख जी। जी।
ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।